टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ एमसीक्यूज को इस वीडियो में सॉल्व करना है। हम ऐसे ही एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं हूँ डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy Physics। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट रेज ट्रैवल। फर्स्ट ऑप्शन इज एयर टू वाटर, सेकंड ऑप्शन इज एयर टू ग्लास, थर्ड ऑप्शन इज ग्लास टू वाटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज वाटर टू ग्लास। ओके, जैसे कि हमने थ्योरी में स्टडी किया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये जो भी फेनोमेनन है ये तभी पॉसिबल है जब भी लाइट रे ट्रैवल होगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं दिस इज द इंटरफेस। ओके, जब भी लाइट रे ट्रैवल होगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ डेंसर मीडियम, दिस वन इज अ रेयर मीडियम। सो वेन एवर द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो उस वक्त उस रे का जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन दैट रे इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। ओके, वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट रे को ट्रैवल होना पड़ेगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ओके, अब यहाँ पे देखिए एयर मीडियम और वाटर मीडियम, जब इन दोनों का हम कंपेरिजन करते हैं उस वक्त दिस इज अ रेयर मीडियम, दिस वन इज अ डेंसर मीडियम। उसी तरह यहाँ पे भी है। ओके, थर्ड ऑप्शन में आपको ये दिख रहा होगा कि ग्लास मीडियम से वाटर मीडियम की तरफ वो रे ट्रांसफर हो रहा है। तो जब भी लाइट रे ट्रैवल होगा फ्रॉम ग्लास मीडियम टू वाटर मीडियम, मीन्स डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दैट रे इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, क्योंकि ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम है। जब हम बात करेंगे फोर्थ ऑप्शन की, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्योंकि एज कंपेयर टू द ग्लास मीडियम वाटर इज ट्रीटेड एज अ रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। ओके, देयर आर फोर ऑप्शंस आर गिवन, टोटल चार ऑप्शंस यहां पे दिए हैं। तो क्रिटिकल एंगल दिया है एक मीडियम का, कितना है वो 60 डिग्री, तो यहां पे हम लिख लेते हैं थीटा सी, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल, इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री फॉर अ गिवन मीडियम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, देयरफॉर म्यू फॉर द गिवन मीडियम इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इन दोनों पैरामीटर्स को कोरिलेट करने वाला फॉर्मूला हमें पता है, हमने थ्योरी में ऑलरेडी उसको स्टडी किया था। सो विच वन इज दैट फॉर्मूला, साइन ऑफ थीटा सी इट इज इक्वल्स टू, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1/μ, या म्यू इज इक्वल टू 1/sin θc, आपने ये देखा होगा। तो अब थीटा सी पता है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1/sin θc, और थीटा सी की वैल्यू है 60 डिग्री। सो साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, इट इज इक्वल टू √3/2, सो दिस इज इक्वल टू 1/√3/2 which is equals to 2/√3. So mu is equals to 2/√3. This is a refractive index of that medium whose critical angle is 60 degree. So 2/√3, ये option कहाँ मिल रहा है आपको, option A is correct one. Next question, the critical angle of a medium with respect to air is 45 degree, the refractive index of the medium is. Okay, again there are four options are there. Just iske pehle jo bhi problem solve kiya tha usi tarah aapko isko solve karna hai.
ओके, इसका आंसर आपको ढूंढना है और कमेंट्स में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज। ओके ओके, सो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट मीडियम दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज अ वाटर, सेकंड वन इज अ ग्लास। ओके, दोनों डिफरेंट मीडियम है, दोनों का इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जब हम इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, तो मान के चलिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज रिप्रेजेंट बाय म्यू डब्ल्यू, एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंट बाय म्यू सफिक्स जी। ओके, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। अब अभी तक हमने जो भी स्टडी किया, हमें ये पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कम होता है एज कम्पेयर टू द ग्लास। सो हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा या कौन सा कम होगा। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने एक इक्वेशन को देखा था, दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द साइन ऑफ थीटा सी इट इज इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि जितना उस मटेरियल का या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना साइन ऑफ थीटा सी की वैल्यू कम होगा। मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा उतना साइन ऑफ थीटा सी की वैल्यू कम, जितना साइन ऑफ थीटा सी की वैल्यू कम उतना थीटा सी की वैल्यू कम। ओके, सो ये तीनों एक मेक से रिलेटेड है, जितना म्यू ज्यादा उतना साइन ऑफ थीटा सी कम, जितना साइन ऑफ थीटा सी कम उतना थीटा सी की वैल्यू कम। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ जीरो इज जीरो, साइन ऑफ 90 इज वन, यानी 90 जब ले रहे डिग्री, 90 डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है उस वक्त 1। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो अगर थीटा की वैल्यू सॉरी म्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो थीटा सी की वैल्यू कम होगा। अब यहाँ पे देखिए जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास का, तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल कम होगा और वाटर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है उसके बेसिस पे। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, सो थीटा सी फॉर वाटर इज ग्रेटर देन थीटा सी फॉर ग्लास। तो ये होगा, सो यहाँ पे सी डब्ल्यू एंड सी जी इसे रिप्रेजेंट किया है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें दो अलग अलग फॉर्मूले यूज करने होंगे। सबसे पहले क्या दिया है, देखिए इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू दिया है, थीटा सी इज इक्वल्स टू फॉर द गिवन मीडियम इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, अब सेकंड जो भी मीडियम है वो वैक्यूम है, और वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है विच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, अब थीटा सी की वैल्यू पता है, तो इसके बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बेसिस पे हम म्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट गिवन मीडियम। ओके, अब वो कैसे फाइंड आउट करना है, यू नो वेरी वेल, सो साइन ऑफ थीटा सी इट इज इक्वल्स टू 1/μ, सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू 1/ साइन ऑफ थीटा सी विच इज इक्वल्स टू 1/ साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कितना आया है, 2। तो अब इसके बेसिस पे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ओके, उस लाइट की वेलोसिटी पता है वैक्यूम में, अगर हम उस लाइट की वेलोसिटी मीडियम में कंसिडर करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू वी। अब इन तीनों में रिलेशन
we know very well. So what is that relation? V is equals to c upon mu. C क्या है? Velocity है उस light की vacuum में. V क्या है? Velocity है उस light की medium में. What is mu? Mu is refractive index of that medium. तो सभी values हमें पता है, यहाँ पे substitute कर देंगे. 3 into 10 raised to power 8 upon 2, which is equals to 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second. So this is a value of velocity of that light in medium, given medium, whose refractive index, whose critical angle is 30 degree. So 1.5 into, 10 raised to power 8 meter per second. Next question. A fish is a little way below the surface of a lake. If the critical angle is 49 degree, then the fish could see things above the water surface within the angular range of theta, where theta is equals to whether it is a 49 degree, whether it is a 90 degree, whether it is a 98 degree, or whether it is a 24.1/2 degree. So this is a question mark. Situation कैसा है वो देख लीजिएगा. Let us imagine that this one is a surface of a lake. Okay, ये water है और यहाँ पे हम एक fish को consider कर रहे. This is nothing but the fish. Okay, यहाँ पे fish को हम consider कर रहे. अब वो fish जब भी ऊपर देखेगा तो उसको यहाँ पे क्या बोला है, देखिए. A fish is a little way below the surface of the lake. Okay, if the critical angle is 49 degree, then the fish could see things above the surface, above the water surface, within the angular range. Okay, so यहाँ पे इस water का जो भी medium है, water consider कर रहे हैं हम, उसका critical angle कितना दिया है? 49 degree. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी ये ऊपर देखेगा, okay, within this angle ऊपर देखेगा up to the 49 degree with respect to what? Normal. तो वो बाहर का देख सकेगा क्योंकि वो easily refract होगा rays. लेकिन इसके ऊपर अगर 50 degree इतने angle से वो देखता है इस तरफ with respect to normal, तो definitely वो क्या हो रहा है? Reflect हो रहा है उसी medium में. इसका मतलब है वो बाहर का नहीं देख सकता है. उसी तरह इस साइड भी, चारों साइड में उतना ही एंगल वो प्रोड्यूस करेगा. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. अगर हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हैं तो ये एंगल कितना है? इट इज इक्वल्स टू 49 डिग्री. अगर इससे एंगल बढ़ाते हो तो वो बाहर का नहीं देख सकता क्योंकि वो रे जो भी है रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा उसी मीडियम में. तो यहाँ पे जब हम कंसिडर करते हैं तो इस डिस्कशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हो रहा है. दैट सर्कल इज लाइक दिस वन. दिस इज जस्ट लाइक अ वन सर्कल और यहां पे कोन बन रहा है. इस कोन में अगर वो ऊपर की तरफ कुछ भी देख सकता है उसको इजीली देखेगा, लेकिन इस साइड अगर देखने के लिए ट्राई करता है तो वो क्रिटिकल एंगल के ऊपर होगा. ओके, वो नहीं देख सकता. अब यहां पे ये जो भी एंगल उन्होंने कहा है, दिस वन, ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे पूरा. सो ऑब्वियसली अगर ये यहाँ पे ये 49 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये भी 49 डिग्री होगा और प्लस इधर का 49 डिग्री, तो 49 प्लस 49 इट इज इक्वल्स टू 98 डिग्री. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए, एंगुलर रेंज बोला है. ओके, सो एंगुलर रेंज देखते हो तो ये पूरा एंगल जो भी बन रहा है यहाँ पे, तो वो एंगुलर रेंज कितना है? इट इज इक्वल्स टू 49 प्लस 49, 98 डिग्री. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. सेम इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, सो यहां पे एंगुलर रेंज यानी टोटल कोन का एंगल. सो विद इन दिस एंगल अगर वो देखता है तो डेफिनेटली उसको क्या होगा, उसको विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. ओके, वर्टिकल इस साइड 49 डिग्री, इस साइड 49 डिग्री, तो वो इजीली बाहर का देख सकता है. लेकिन उसके ऊपर अगर वो ट्राई करता है तो बाहर का उसको नहीं देखेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, ओके सो फर्स्ट ऑप्शन इज रेड, सेकंड वन इज अ ग्रीन, थर्ड वन इज अ येलो, थर्ड फोर्थ वन इज अ वायलेट। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो भी दिया है, ओके, पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम, किसके लिए मिनिमम हो सकता है, मीडियम तो एक ही है, ओके अगर मीडियम एक ही है तो आपको लगेगा कि क्रिटिकल एंगल वो उस मीडियम की प्रॉपर्टी है वो भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्बडा, सो लैम्बडा इज अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एंड म्यू इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हमने इन दोनों का रिलेशन देखा था उस वक्त हमने ये देखा था कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्बडा, सो जितना लैम्बडा ज़्यादा होगा उतना म्यू की वैल्यू कम होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कलर की लाइट्स, तो हर एक कलर के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, जैसे इन चारों का अगर कंपैरिजन करते हो तो रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वायोलेट, विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है और वायोलेट का वेवलेंथ सबसे कम है उस स्पेक्ट्रम में, तो इसके बेसिस पे इसका वेवलेंथ ज़्यादा है रेड का और वायोलेट का वेवलेंथ कम है। अगर इसका वेवलेंथ कम है वायोलेट का, अगर इसका वेवलेंथ कम है तो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू रेड लाइट इस वायोलेट लाइट के लिए म्यू की वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज़्यादा होना चाहिए, ओके सो म्यू फॉर द वायोलेट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द म्यू फॉर द रेड। सो वायोलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज़्यादा है और रेड लाइट के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये था एक डिस्कशन। अब हम इसी वीडियो में हमने ये भी देख चुके हैं कि म्यू और थीटा सी इन दोनों में रिलेशन क्या है। सो साइन ऑफ थीटा सी इट इज इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू, ओके। अब हम वायलेट लाइट की बात करते हैं, तो वायलेट लाइट के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो थीटा सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा सी मिनिमम होगा अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगा तो, अगर साइन थीटा सी की वैल्यू मिनिमम होगा तो डेफिनेटली थीटा सी की वैल्यू भी मिनिमम होगा। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है उसके बेसिस पे फाइनल कंक्लूजन क्या है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, किसके लिए मिनिमम होना चाहिए, वायलेट लाइट के लिए, क्योंकि वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो फिर थीटा सी की वैल्यू कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट एंटरिंग वाटर फ्रॉम द ग्लास, ओके देयर आर फोर ऑप्शंस आर गिवन। सो सिचुएशन इज लाइक दिस वन, इसमें ग्लास मीडियम और वाटर मीडियम, तो हमें ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा, क्योंकि हमें इसका इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें ग्लास में विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होगा, ओके तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि इसमें से लाइट रे आ रहा है और इस साइड रिफ्रैक्ट होके उसी में जा रहा है एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो दैट एंगल इट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एंगल, वो क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ओके सो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 5/3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल्स टू 4/3 विच इज ऑल्सो गिवन, ये दोनों वैल्यूज दिए हैं, ओके सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सो दिस इज इक्वल्स टू, वो कितना होगा,
it is equals to 5 by 3 upon 4 by 3, which is equals to 5 by 4. So वो वैल्यू आ रहा है 5 by 4, which is equals to 1.25. ओके, अब ये हो गया क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. अब हमें ये हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. अब हमें फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में रिलेशन हमें पता है. दैट रिलेशन इज नथिंग बट द साइन ऑफ थीटा सी, विच इज इक्वल्स टू, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 upon μ. सो लेकिन यहाँ पे म्यू जी डब्ल्यू लेंगे हम, विच इज इक्वल्स टू 1 upon 5 by 4, विच इज इक्वल्स टू 4 by 5. सो साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू 4 by 5. सो दिस इंडिकेट दैट थीटा सी इट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4 by 5. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे देख लीजिएगा. द ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, साइन इनवर्स ऑफ 4 by 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट वेव एंटर फ्रॉम मीडियम 1 to 2, इट्स वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम इज डबल फ्रॉम फर्स्ट. ओके, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन. लाइट देखिए कहां से कहां एंटर हो रहा है, फ्रॉम द मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड. ओके, उसकी वेलोसिटी जो भी है सेकंड मीडियम में डबल है एज कंपेयर टू द फर्स्ट. अब सेकंड मीडियम में उसकी वेलोसिटी डबल है एज कंपेयर टू द फर्स्ट, इसका थोड़ा कंसेप्चुअली सोचिए कि जिस मीडियम में वेलोसिटी की, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. तो इसके बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम. ओके, तो अब यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट म्यू वन इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, म्यू टू इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम. वेलोसिटी जो भी है फर्स्ट मीडियम में हम वी वन कंसिडर करते हैं और सेकंड मीडियम में हम वी टू कंसिडर करते हैं. ओके, सो इन चारों में रिलेशन क्या है, एज वी नो दैट द रिलेशन इज इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू इट इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन. What is a V2? It is a velocity of that light wave in second medium, जो कि double है as compared to this one. So यहाँ से ये discussion से हम ये लिख सकते हैं कि this is a 2V upon V, this is equals to 2. अब μ1 upon μ2 इन दोनों का ratio जो भी है it is equals to 2 इतना आया है. अब हमें यहाँ पे light कहाँ से कहाँ enter हो रहा है वो देखना है. Light is entering from medium first to medium second. ओके, सो हियर वी हैव टू राइट, हमें यहाँ पे लिखना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड विच इज इक्वल्स टू 1 upon sin ऑफ थीटा सी. दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि इसके पहले के प्रॉब्लम में सॉल्व किया है, और ये उसका क्रिटिकल एंगल. ओके, सो म्यू 1 with respect to 2, it is equals to 1 upon sin theta c, which is equals to, अब mu 1 2 कैसे लिख सकते हैं, it is equals to mu 1 upon mu 2, which is equals to, अब mu 1 upon mu 2 की value कितना है, 2, so 2, so जो भी final discussion यहाँ पे निकल के आ रहा है, it is equals to sin, 1 upon sin of theta c, it is equals to 2, which represent that theta c, it is equals to, yeah, sin of theta c is equals to 1 upon root 2 hoga. So, theta c ki value kitna aana chahiye? It should be equals to 30 degree. So, option A is correct one. Option A yaha pe kaisa hoga? Correct hoga. Next question. White light is incident on the interface of glass and air as shown in the figure. Okay, this is a white light. ओके, दिस वन इज अ डेंसर मीडियम, दिस वन इज अ एयर मीडियम, ये ग्लास मीडियम है और ये एयर मीडियम है. सो व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट इन दिस वे, और एक देखा गया कि इफ द ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड
अने ग्रीन लाइट जो भी है उसमें से, क्योंकि व्हाइट लाइट इज अ पॉलीक्रोमेटिक, इट कंटेंट ऑल द कलर्स ओके विजिबल स्पेक्ट्रम में, स्पेशली ब्लू, वायोलेट, इंडिगो, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, ये सातों कलर उसमें होंगे ओके. लेकिन जब हम इंसिडेंट करें एक पर्टिकुलर एंगल पे, ये देखा गया कि उसमें से ग्रीन लाइट जो भी है वो जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. कितना है? 90 डिग्री है. तो यहां पे एक बार क्वेश्चन को डबल से रीड करते हैं. व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर. इफ द ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली internally reflected, then the emerging ray in air contain. So option, four options are there: yellow, orange, red, violet, indigo, blue, all colors and all color except green. Okay, green तो होने वाला नहीं चाहिए. लेकिन यहाँ पे इस discussion, इसी तरह का discussion हमने already इसके पहले के problem में किया है. So दो चीजें आती है. The first one is the mu, that is the refractive index of that glass. It is depend on the wavelength of that color. Okay, so it is proportional to 1 upon lambda. Lambda agar jyada hoga to refractive index ki value kam hoga. Agar lambda kam hai to refractive index ki value jyada hoga. Ab jab hum white light ke bare mein discuss kar rahe hain, to usme sabhi waves available hote hain, red color ke, green color ke, blue color ke. To jab hum spectrum ko study karte hain, to us waqt ye dekha gaya hai ki red color ka wavelength sabse zyada hoga, violet ka color ka wavelength sabse kam hoga. Ab jab hum green light ke comparison mein compare karte hain, to green light ke niche in sabhi ka wavelength hai, green light ke upar in sabhi ka wavelength hai. Okay, to yahan pe lambda zyada तो म्यू कम. और म्यू और क्रिटिकल एंगल, इन दोनों में एक रिलेशन पता है हमें, साइन ऑफ थीटा सी इट इज ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू. म्यू ज्यादा तो थीटा सी कम. ओके, अब ये दोनों की फॉर्मूले के बेसिस पे आप थोड़ा सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. तो मैं ये आंसर यहां पे दे देता हूं आपको कि इफ द ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, then the emerging ray in air contain. अब बाकी जो भी है इसके जो भी higher wavelength है ओके, उन higher wavelength के लिए refractive index की value कम होगा. refractive index की value कम अगर है तो critical angle ज़्यादा होगा. और green light ये just reserve हो रहा है, तो इसका answer जो भी आएगा option A is correct one. ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.